हेलो फ्रेंड्स, शुरुआत करूंगा एक इस एपिसोड की एक किस्से के साथ। दोस्तों, मैंने अपनी ज़िंदगी में माँ पे बहुत परफॉर्म किया है, माँ पे बहुत लिखा है। तो एक वक्त की बात है, मेरे वालिद साहब, मेरे पापा ने मुझे बुलाया, बेटे इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। उन्होंने मुझसे ये पूछा, यार तुम अपनी माँ पे इतना परफॉर्म करते हो, इतना ज़्यादा उन पे काम करते हो, यार कभी हम पे भी लिख लिया करो, तुम्हारे अपने ही हैं। बात उन्होंने मजाक में बोली, लेकिन उसके बाद मैं वहीं पे बैठ गया और मैं कुछ चीज़ सोचने लगा और उसके बाद मैंने कुछ लिखा, मैं आपसे शेयर करता हूँ कि बहुत मुश्किल है रिश्तों की डोर को अल्फाजों से समझाना, बहुत मुश्किल है रिश्तों की डोर को अल्फाजों से समझाना, पर यकीनन सबसे मुश्किल है एक बेटे को अपने बाप के लिए प्यार जताना। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, मून इज द टॉक टेल शो में एक बार फिर आपका स्वागत है। लेट्स वेलकम आवर टुडेज गेस्ट मिस्टर लक्ष्य मित्तल विद हिज स्टोरी ऑन पापा डोंट डाई। हेलो फ्रेंड्स, आज उस पर बात करते हैं जिस पे हम बहुत कम बात करते हैं और करते हैं हम बहुत चीज पर बात, पर ये टॉपिक हमेशा रह जाता है अनस्पोकन और अनसेड। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट द रिलेशन बिटवीन फादर एंड सन विच इज नो लेस देन मिस्ट्री फॉर एनीवन। दोस्तों, मेरा मेरे पापा से मोहब्बत का रिश्ता कुछ ऐसा ही है जैसे बनारस की गलियों में खड़े एक आशिक का होता है जो हर रोज एक खूबसूरत लड़के गुजरते हुए तो देखता है पर अल्फाजों से बयां नहीं कर पाता है। पापा, आई विश समडे आई कुड से दैट हाउ मच आई लव यू एग्जैक्टली लाइक द सेम वे दैट यू डोंट से। पापा, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, पर पता नहीं बीच में कौन सी आ जाती है हिजक की दीवार। बचपन में हमेशा मार के रात में पूछते थे मम्मी से मेरा हाल। पापा, आपको क्यों नहीं समझ में आता, मुझे पता है आप भी मुझसे करते हैं बहुत ज्यादा प्यार। दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूं कि मेरी मां ने मुझे खूबसूरत बनाया पर मेरे बाप ने मुझे स्मार्ट बनाया। माई मदर मेक्स मी ब्यूटिफुल बट माई फादर मेक्स मी स्मार्ट। पापा, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग मी। बेटा, पैसे डलवा दूं आज? जितना ज्यादा दुख कॉर्पोरेट लाइफ के बंदों को इस बात का होता है कि संडे वाले दिन कोई नेशनल हॉलीडे पड़ जाए, उतना ही ज्यादा सुख इस बात का होता है कि पापा के क्रेडिट किए हुए अमाउंट जब हमारे मोबाइल की स्क्रीन पर मैसेज आता है। कभी कभी लगता है क्या करूं जो उतार दूं ये उधार, फिर समझ में आता है कि आसमान से बरसती हुई बारिश को जितना भी मुट्ठी में लेने की कोशिश करो वो कभी समुंदर नहीं बन सकती और हम उस समुंदर का कभी कर्ज नहीं चुका सकते। मेरे बाप मेरे लिए मेरा समुंदर है। मुझे अच्छा लगता है जब कोई मुझसे कहता है कि तुम अपने बाप की तरह दिखते हो। मुझे अच्छा लगता है कोई मुझसे कहता है जब तुम अपने बाप की तरह हंसते हो। पापा, आपका नाम हमेशा अपने साथ लेके चलता हूं और अपने वजूद में हमेशा आपको ढूंढने की कोशिश करता हूं। वो होता था ना जब बचपन में पापा हमें बुला के कहते थे और अपने बचपन के किस्से सुनाते थे कि बेटे तुम्हें पता है जब हम छोटे थे तो हम सोडियम की लाइट में बैठ के पढ़ा करते थे, कि बेटे जब हम छोटे थे तो हम 15 किलोमीटर पैदल जाके स्कूल पे जाया करते थे। बचपन में वो सब मजाक सा लगता था, पर आज दिन भर की छोटी और बड़ी ठोकरें खाने के बाद जब पापा रात में सुनता हूं आपकी आवाज तो लगता है नो, इट्स नॉट एंड, आई हैव टू वर्क हार्ड। और जब मेरे पास है मेरे बाप का साथ तो मैं लड़ सकता हूं दुनिया की हर मुसीबत से एनी टाइम यार। पर डर लगता है पापा, पर डर लगता है जब मैं सोचता हूं ये उम्र का ख्याल, कहीं ये जुदा ना कर दे आपको मुझसे। इसलिए कह देता हूं एक बात आज, पापा आई लव यू, आपका बेटा आपकी शान, हमेशा रहिएगा साथ ना छोड़िएगा हाथ, हमेशा रहिएगा साथ ना छोड़िएगा हाथ। ऊपर जो मैंने बोले सारे अल्फाज लिखे थे मैंने, ये कुछ अल्फाज सोचा था बताऊंगा एक दिन आपको पापा, अब सोचता हूं काश बता दिए होते एक बार। पापा, मैं भूल नहीं सकता वो मनहूस रात जब आपने छोड़ दिया मेरा साथ। अपने मजबूत कंधों पे क्या खूब खिला दिया, अपने मजबूत कंधों पे क्या खूब खिला दिया पापा, आप मेरी कंधों पे अपनी लाश रख के आपने मुझे सारे बाजार रुला दिया। पापा, आपने मेरा साथ ना दिया, मुझको तन्हा क्यों छोड़ दिया।
पापा आप आके थोड़ा डांट लीजिए, थोड़ा मार लीजिए। पापा नाउ आई डोंट वॉन्ट टू लुक स्मार्ट इन माई लाइफ नाउ। पापा नो नीड टू क्रेडिट अमाउंट इन माई अकाउंट नाउ। पापा जस्ट रिसीव माई कॉल वंस आई वॉन्ट टू क्राई लाउड। पापा जस्ट रिसीव माई कॉल वंस आई वॉन्ट टू क्राई लाउड। मेरी जिंदगी की बदनसीबी को मैंने कुछ इस तरह बयां किया। मेरी जिंदगी की बदनसीबी को मैंने कुछ इस तरह बयां किया। मेरे बाप ने मेरी ही गोद में अपनी जिंदगी को अलविदा किया। मेरे बाप ने मेरी ही गोद में अपनी जिंदगी को अलविदा किया। पापा 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 अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरे हंसने की वजह क्या है, तो सुनिए। जस्ट द ड्रीम ऑफ लूजिंग यू इन माई लाइफ दैट वॉज सो हॉरिबल एंड टेरिबल टू डिफाइन। पापा आई एम सो ग्लैड दैट द न्यूज ऑफ योर एब्सेंस दैट वॉज जस्ट अ ड्रीम टू डिफाइन। आई एम देयर दैट यू आर देयर इन माई लाइफ टू रिसीव माई कॉल टू लिसन माई वॉइस। इसलिए कह देता हूं पापा एक बात आज, पापा आई लव यू। आपका बेटा आपकी शान, हमेशा रहिएगा साथ ना छोड़िएगा हाथ, हमेशा रहिएगा साथ ना छोड़िएगा हाथ। शुक्रगुजार हूं कि आपकी मौत की खबर महज एक सपना थी। वो होती वो हकीकत, जो होती वो एक हकीकत, तो यकीन मानिए जिंदगी खत्म थी। थैंक यू। करते हैं बहुत चीज पर बातें, लेकिन करते हैं बहुत चीज पर बातें, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, बाबा एक सेकंड रीटेक ले लिया, गड़बड़ हो गया। ठीक है स्टार्ट करें, हैं मच्छर काट रहे हैं, करें 1 2 3। हाँ करते हैं हम आज चीज, करते हैं आज। यार गर्मी कितनी हो गई आज। बाबा कट।